हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक्सरसाइज जो 13.6 कर रहे थे, ठीक है, उसी को लेके चल रहे हैं हम। 13.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था, ठीक है, आगे हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं, ठीक है। दी इनर क्वेश्चन क्या है, दी इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल वुडन, ठीक है, वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28, डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द पाइप is 35 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, ठीक है। मास जो है इसका वो बताना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप ध्यान से कि इसे मास पूछा गया है। याद था किसी क्वेश्चन में मास नहीं पूछा गया, मतलब मास का जो कहें तो फॉर्मूला है, कहें तो एक रूल है, वो दे दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में लकड़ी में जो मास होता है वो 0.6 ग्राम होता है। तो पहले आप इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आप इसमें काम कर सकते हैं। तो क्या है, देखिए हमारे पास क्या क्या चीज दे रखी है वो देख लीजिए। एक दे रखी है h, ठीक है, h को हमने मान लिया लेंथ, लेंथ ऑफ h ने इसको l ही मानेंगे, हाइट नहीं मान सकते ना, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सॉरी सिलेंड्रिकल है तो h ही होगा, ठीक है, पाई r स्क्वायर h होता है। द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर जो है एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है, 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर दे रखा है आउटर डायमीटर तो है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वुडन पाइप है, इस तरह से गए हमारे पास, ये है सिलेंडर और इसके बाहर जो है पाइप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये एक इसका कहें तो चारों तरफ इन्होंने बना रखा है कवर, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जो आउटर है ना वो तो कितनी है 28 सेंटीमीटर, और जो इनर है सेंटीकल पाइप वुडन पाइप 24 सेंटीमीटर की इनर है, इनर हम ले लेते हैं इस आर, ठीक है। तो इनर जो रेडियस है इसकी वो हो जाएगी आपके पास 24/2 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम निकालिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वुड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन मेकिंग द पाइप, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम देखो दो तरह से निकलेंगे भाई। आपको क्या करना है कि वुड का में कितना
कितना वुड लग रहा है इस पाइप को बनाने में, तो बाहर वाले में से और अंदर वाले में से माइनस करने पर जो बीच में बचेगा वही पार्ट ही तो निकलेगा। तो आप क्या करेंगे कि बाहर वाले में से माइनस करेंगे अंदर वाले का वॉल्यूम, क्योंकि दो रेडियस दे रखी है ना, अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस करेंगे और फिर जो आएगा वो उसका हमें वेट निकालना है। ठीक है, वो लकड़ी जो इतनी लगी है उसका हमें वेट निकालना है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अच्छा है कि बाहर अंदर की रेडियस जो है हमारे पास वो कितनी हो गई 12, और बाहर की जो रेडियस है वो हो गई हमारे पास 14। ठीक है, लेकिन जो बीच का हिस्सा है, बीच में जितनी लकड़ी लगी है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो बीच की लकड़ी लगी है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द एक्सटर्नल एक्सटर्नल सिलेंडर, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल सिलेंडर। ठीक है, इंटरनल सिलेंडर दोनों अलग अलग तरह का जो है यहाँ पर बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर केपलर स्क्वायर। ठीक है, आर रेडियस जो होगी आउटर वाली होगी ना, और एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आ जाएगा और एच कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर, और ये एच दोनों को एक बार लिखना पड़ेगा, पाई को भी एच को भी। तो क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर यानी कि 12 का स्क्वायर, और एच कितनी यहाँ पे 35। ठीक है, 7 5 35 और 12 का स्क्वायर में आप ऐड कर लो उनको, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 14 और 12 कितने होते हैं, 26 होते हैं, और मल्टीप्लाई 40 में से 12 करते तो कितने बचे 2। ठीक है, अब बाकी सब इन सबको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर देखो 5 2 10, और यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको 2 में ब्रेक करूँगा तो 11 आएगा, 11 2 22 होता है, जो 2 आएगा 2 2 4 4 5 20। ठीक है, ये जगह आपका 20 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई कितना 11। ठीक है, यहाँ देखिए आप 6 और 2 कितना हो गया 8, और 2 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किसको 20 को। ठीक है, तो 6 2 12 1 8 2 16 1 17। ठीक है, और 2 2 4 1 5, तो 5720 आ गया, कितना आ गया 5720। ठीक है, 5720 ये आपके पास आ गए हैं वैल्यू, किसकी वॉल्यूम की, दोनों के अंतर की यानी बीच वाले हिस्से के वॉल्यूम की आ गई आपके पास, क्या कितना लकड़ी लगेगा वो आ गया है, लेकिन अब लकड़ी का वेट जो है वो बताना है। ठीक है, वॉल्यूम तो आ गया है 5720 और ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, रिजल्ट आया आपका वो आया सेंटीमीटर क्यूब में 5720 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो इसमें ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसमें क्या है, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो है कि आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है ना वो है 0.6। ठीक है, वेट जो दे रखा है इसमें, क्योंकि वेट निकालना है, तो वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड कितना है 0.6 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद है वेट, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा, तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। ठीक है, तो पॉइंट हटा दो और नीचे लगा दो आप 10। ठीक है, तो 10 लग जाएगा, फिर किलोग्राम में चेंज करना है, तो ये तो है कितना है ग्राम में, तो ग्राम किलोग्राम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इससे किस में चेंज हो जाएगा किलोग्राम में। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, अब यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे भी हमारा ब्रेक हो सकता है इसमें, जैसे हम 2 से ब्रेक करते हैं तो 2 का हो जाएगा 500 टाइम्स, और 2 का हो जाएगा यहाँ पे 2 2 4 17 2 8 16 1 2 2 6 12, ये हो जाएगा से 250, और
1 4 3, ठीक है, और फिर जाएगा 2 से 125, और ये जाएगा 6, कितना जाएगा 3, ठीक है। अब 143 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 125, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, क्या करता हूँ, 3 3 जा 9, 14 3 जा 42 अपॉन 125, ठीक है। तो 125 3 जा 375 होता है, 3 टाइम जाएगा, 0.4 टाइम 3 इंटू किलोग्राम, इतना हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए मैं विद आपको जो है कैलकुलेशन समय बताता हूँ, इसलिए आप इसको अच्छे से समझा करें, ठीक है। वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का तो इतना होता है, और 5720 सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए मैंने 1000 से इसका डिवाइड किया है, क्लियर। तो अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, किलोग्राम लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि फिर हम थर्ड जो क्वेश्चन सेम सेम हो जाएगा, फोर्थ कर लेते हैं इसमें। देखिए इफ द लेटरल, इफ द लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट, सी हाइट है वो कितनी है, इस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर, देन देन फाइंड द, नंबर एक चीज, रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस निकालनी है ऑफ इट्स बेस, इसके बेस की रेडियस याद करो, और नंबर जो सेकंड है आपका वो निकालना है वॉल्यूम, ठीक है, इट्स वॉल्यूम, क्लियर। तो आप यहां देखिए ध्यान से, रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस की रेडियस कितनी होगी, ठीक है। तो पहले देखो लेटरल सरफेस होता क्या है, उस हिसाब से आप चलते हैं। देखिए लेटरल सरफेस जो होता है ना, वो होता है 2 पाई आर एच, यानी कि वो हिस्सा जो इस दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बीच वाला हिस्सा जो होता है ना, उसका सरफेस एरिया की बात करें तो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस, ठीक है, क्लियर। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 24.2, ठीक है, और इससे हम क्या निकालना चाहते हैं, रेडियस निकालेंगे और फिर निकालेंगे इसकी वॉल्यूम। तो लैटरल सरफेस जो है इसमें वो कितना है, 2 पाई आर एच, आर क्या रेडियस है, एच क्या है, हाइट है, ठीक है। तो ये कितना है, 94.2, तो 2 पाई आर एच इक्वल टू 94.2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, पहले निकालनी है, एच दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर, तो 5 इक्वल टू 94.2, ठीक है। और जैसे मैं आर निकालता हूँ तो बाकी वैल्यू हो जाएगी 94.2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5, राइट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से पॉइंट हटाकर आप नीचे कर सकते हो 10, ठीक है। अब यहाँ से ब्रेक होगा तो होगा तो 2 से होगा, ठीक है, 2 का 11 टाइम्स 2 4 जा 8, और 2 7 जा 14 2 1 जा 2, क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास जो जो चीज है वो उसके अकॉर्डिंग सीधा मल्टीप्लाई होके डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 4 71 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 11 इंटू 2 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप 3.14 का यूज कर सकते हैं, तो अभी जरूरत प्रॉपरली ब्रेक करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब क्या है कि रेडियस कितनी आ गई, इसकी रेडियस जो है वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर,
फटाफट करने पर यहाँ पर 3 आ जाएगा, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जो है वो 22/7 की जगह पर 3.14 यूज करें, ठीक है, क्योंकि 3.14 जो है वो 3 बार इसे डायरेक्टली कट जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी जगह पर हम 3.14 यूज करते हैं तो क्या होता है, 7 यहाँ पर नहीं आएगा, इसकी जगह आ जाएगा 3.14, ठीक है। तो आप देखिए कैसे आ सकता है, आर की वैल्यू निकालनी है तो 94.2/2 × 3.14 × 50, ठीक है। तो देखिए आप पॉइंट हटाया यहाँ पे, लगाया आपने 0, पॉइंट हटाया यहाँ पे लगाया आपने 00, तो ये 3 टाइम्स कट हो गया, ठीक है। 52 जा 100, ठीक है, क्लियर। और ये 0 तो ऊपर वैल्यू थी हमारे पास, वो 0 तो हमारे पॉइंट हटाने पर लगी थी, ये 0 तो हमारी पॉइंट हटाने पर लगी थी, ठीक है। तो कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। सिंपल आप सिंपल सिंपल चीज मिलेगी यहाँ पे, इसको आपसे समझ लेना, सिंपल सिंपल ही मिलेगा। तभी आपको यहाँ पे 3.14 लिखा है, वरना आप यहाँ पे 3.14 नहीं लिखते, 22/7 लिखते, ठीक है, क्योंकि हमको हिंट भी दिया गया था। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, और तो वॉल्यूम निकालने की क्या चीज़ थी, रेडियस, वो हमने निकाल ली है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा बताइए पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू कितनी कर दें, 3.14 × आर स्क्वायर 3 × 3, और एच कितना है यहाँ पे 5, ठीक है। 3 × 9 9 5 45, 45 × 3.14, ठीक है, पॉइंट आगे कर दो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 2 का 50, 5 का 20 टाइम्स, 5 9 जा, ठीक है, और 2 का 10, और 2 173, 1 11 5, और 7 जा 157, ठीक है। 157 × 9 ये कितना जाता है हमारे पास, 1413, ठीक है। डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आ जाएगा, 141.3, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना हमारा हो गया वॉल्यूम, समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, थैंक यू।